हेलो फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट आवर EVS 2 सब्जेक्ट लेसन नंबर 14. द फोर्ट इज कैप्चर बट द लायन इज डेड. ओके, लास्ट लेसन वी स्टडीड हाउ शिवाजी गिव द स्लिप टू द एम्पायर, रिमेंबर. एंड दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द शिवाजी कैप्चर द फोर्ट बट the lion like man that is Tanaji Malusre is dead. Okay, listen. First, Jijamata's wish, the 23 fort which Shivaji handed over to Jai Singh were still in the hands of Mughal. अपने last lecture में देखा कि शिवाजी ने वो जो treaty sign की थी है ना, उस treaty के हिसाब से उन्होंने 23 fort मुगलों को दिए थे, remember or not, है ना. तो अभी भी वो जो फोर्ट थे वो मुगलों के कब्जे में थे. कोंडाना वॉज वन ऑफ दीज 23 फोर्ट्स. इसमें से जो कोंडाना फोर्ट है वो उस 23 फोर्ट में एक फोर्ट था. ओके, वन डे जिजामाता सेड टू शिवाजी, एक दिन जिजामाता शिवाजी से क्या बोलते हैं कि शिवा, इट इज़ नॉट सेफ टू लीव द स्ट्रांग फोर्ट कोंडाना इन एनिमीज हैंड. क्या बोली जिजामाता कि जो कोंडाना जैसा स्ट्रांग फोर्ट है वो एनिमीज के हाथ में रहना अच्छी बात नहीं है. यू मस्ट रिकैप्चर इट. उसको क्या करो, फिर से रिकैप्चर करो. शिवाजी वॉज थिंकिंग ऑन द सेम लाइन. शिवाजी वो एक जो लाइन थी उस पर ही सोचने लगे. आपको पता है शिवाजी महाराज जो थे वो क्या करते थे, हमेशा अपनी जीजा माता का सुनते थे, मम्मी का सुनते थे, है ना. तो जब उनकी मम्मी उनको बोली, जीजा माता बोली कि वो जो कोंडाना जैसा फोर्ट है वो एनिमीज के हैंड में रहना अच्छी बात नहीं है, उसको वापस ले लो, तो वही लाइन उनके माइंड में घूमने लगी और वो उसके उस लाइन पे सोचने लगे. ही वॉज वेरी अनहैप्पी दैट कोंडाना वॉज इन मुगल्स हैंड. बोथ शिवाजी एंड जीजाबाई साहेब वेर वेरी अनहैप्पी अबाउट इट. हाँ, जब वो कोंडाना मुगलों के हाथ में था तो दोनों भी बहुत अनहैप्पी थे, जीजाबाता और शिवाजी. इट वॉज लाइक अ थॉर्न इन देअर साइड. जैसे काटे जैसा वो चुभ रहा था कि हमारा एक फोर्ट उनके हाथ में है. शिवाजी स्टार्टेड मेकिंग हिज प्लान्स फॉर द रिकैप्चर ऑफ द कोंडाना. तब से उसी दिन से शिवाजी के माइंड में क्या होने लगा कि वो सोचने लगे और प्लान बनाने के हाउ ही रिकैप्चर द फोर्ट. हु कुड बी इंटरेस्टेड विथ दिस टास्क. ओके, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिकैप्चर कोंडाना. लेकिन ये थोड़ा ही ईजी काम था. इट्स नॉट अ ईजी टास्क टू रिकैप्चर द फोर्ट. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिकैप्चर द फोर्ट. तानाजी मालुसरे, अभी ये तानाजी मालुसरे कौन है? सो तानाजी वॉज शिवाजी कॉमरेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ये जो तानाजी मालुसरे थे वो बचपन से उनके फ्रेंड थे. ओके, कॉमरेड्स थे. सो तानाजी वॉज द कॉमरेड्स फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से उनके साथ थे. ही कम फ्रॉम द विलेज उमरठे नियर महाड़ इन द कोंकण. ये जो तानाजी मालुसरे थे वो कहाँ के थे? उमरठे गांव था उनका. और वो का उमरठे कहाँ था? महाड़ के बाजू में, कोंकण में. ही वॉज एवर रेडी टू पुट हीज हार्ट एंड सॉल इन टू एनी वर्क असाइन टू हिम बाय शिवाजी. और वो ऐसे फ्रेंड थे शिवाजी महाराज के कि शिवाजी महाराज के लिए वो अपना जान भी देने के लिए तैयार थे. ही वॉज एवर रेडी टू पुट हीज हार्ट एंड सॉल इन टू एनी वर्क और एनी टास्क असाइन टू हिम बाय शिवाजी. तानाजी वॉज स्ट्रांग एंड वेल बिल्ड. अब ये तानाजी कैसे थे? ही वॉज वेरी स्ट्रांग एंड वेल बिल्ड एंड एज क्लेवर एज ही वॉज ब्रेव. और वो उतने क्लेवर भी थे जितने वो ब्रेव थे, उतने वो क्लेवर भी थे. ही वॉज पैशनेटली डिवोटेड टू शिवाजी. मतलब उन्होंने खुद को शिवाजी के लिए से डिवोट किया था. ओके, कोंडाना मैरिज फर्स्ट. देखो अभी क्या हुआ, तानाजी वॉज बिजी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर हिज सन्स रायबाज वेडिंग. अभी उस पीरियड में जब शिवाजी सोच रहे थे कोंडाना को रिकैप्चर करने के बारे में, तब उस टाइम पे जो तानाजी थे वो अपने सन, उनका सन था रायबा, उसकी वेडिंग के प्रिपरेशन में बिजी थे. एवरीवन इन द हाउस वॉज बिजी विद द मैरिज प्रिपरेशन. वो तानाजी मालुसरे के घर में जो भी लोग थे सब प्रिपरेशन में लगे हुए थे. द मैरिज वॉज ओनली 4 डेज अवे. अभी देखो ये जो शादी थी, मैरिज था उनके लड़के का, वो बस
चार दिन के बाद था, तानाजी थॉट दैट ही कुड गो एंड इन्वाइट शिवाजी महाराज एंड माँ साहेब टू द वेडिंग अकम्पनीड बाय शिलार मामा। ओके, तो तानाजी मालूस ने सोचा कि अभी चार दिन बाकी है तो जाके शिवाजी महाराज और उनकी माँ साहेब को क्या करे, वेडिंग के लिए इन्वाइट करे। ओके, सो अकम्पनीड बाय शिलार मामा ही वेंट टू शिवाजी महाराज टू गिव हिम एंड माँ साहेब हिज पर्सनल इन्विटेशन टू द वेडिंग। सो उन्होंने अपने मामा जी थे शिलार मामा उनको साथ में लेके वो लोग शिवाजी महाराज को इन्विटेशन देने के लिए गए। ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन फ्रॉम शिलार मामा शिवाजी सेड, देखो इन्विटेशन तो उन्होंने रिसीव किया शिवाजी महाराज ने, बट वो क्या बोले देखो, शिलार मामा यू गो बैक एंड सेलिब्रेट द वेडिंग, आई एम सॉरी आई शैल बी अनेबल टू अटेंड, आई हैव डिसाइडेड टू लीड अ कैंपेन फॉर द रिकैप्चर ऑफ द कोंडाना। शिवाजी महाराज उनको क्या बोले साइलेंटली कि अब जाओ और वेडिंग क्या करो, शादी सेलिब्रेट करो। हाँ, मैं आई एम सॉरी, मतलब मैं उस शादी में नहीं आ पाऊँगा, आई एम नॉट, आई शैल बी अनेबल टू अटेंड दिस वेडिंग बिकॉज ही डिसाइडेड टू लीड अ कैंपेन फॉर द रिकैप्चर ऑफ कोंडाना। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कोंडाना रिकैप्चर के लिए। एज सुन एज तानाजी हर्ड दिस ही सेड, महाराज जैसे ही तानाजी ने ये बात सुनी वो क्या बोले देखो, महाराज डू यू प्रपोज टू अंडरटेक दिस डिफिकल्ट एंड डेंजरस कैंपिंग वेल शिवाजी स्टिल, सॉरी वेल तानाजी स्टिल अलाइव। देखो तानाजी वालों से क्या बोले कि ये जो डिफिकल्ट और डेंजरस कैंपिंग है वो आप खुद जाएंगे लड़ने के लिए जब तानाजी जिंदा है, तानाजी अलाइव, हाँ तो आप ऐसे इस यहाँ पे इस कैंपिंग के क्यों जाएंगे, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पर्सन लाइक मी, तो मेरे जैसे पर्सन के क्या यूज़ है, दिस विल नॉट डू, ऐसे नहीं हो सकता, आई शैल फर्स्ट परफॉर्म द मैरिज ऑफ द कोंडाना बाय कैप्चरिंग इट, मैं पहले क्या करूँगा मैरिज ऑफ कोंडाना, हाँ उसको कैप्चर करके वो टास्क पहले कंप्लीट करूँगा। रायबाज वेडिंग कैन वेट, रायबाज की शादी तो वेट कर सकती है, मतलब वो मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ। यू मस्ट अलाउ मी टू लीड दिस कैंपिंग एंड गिव मी योर ब्लेसिंग फॉर इट सक्सेस, आप मुझे क्या करो वो कैंपिंग पे जाने के लिए परमिशन दो और मुझे ब्लेसिंग दो कि मैं इस कैंपिंग में सक्सेस हो जाऊँ। ओके, देखो आप तानाजी के लड़के की शादी थी, उसका इनविटेशन देने वो गए थे वहाँ पे, लेकिन जब शिवाजी उनको बोलते कि मुझे कैंपिंग में जाना है तो खुद से क्या बोलते हैं कि उस कैंपिंग में मैं खुद जाऊँगा। अभी देखो तानाजी ने क्या प्लान किया, विथ दिस वर्ड तानाजी टुक चार्ज ऑफ द कैंपिंग एंड लेफ्ट फॉर कोंडाना, ऐसे बोल के वो बस बोले नहीं, उन्होंने वो कैंपिंग की पूरी जिम्मेदारी खुद पे ली और उसके इंचार्ज बन गए और वो कोंडाना के लिए चल पड़े। द फोर्ट वॉज देन अंडर द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ उदयभान अ रजपूत ऑफिसर अपॉइंटेड बाय जयसिंह, उस टाइम पे वो कोंडाना पे किसका कंट्रोल था, उदयभान, उदयभान कौन था, एक राजपूत ऑफिसर्स था जिसको जयसिंह ने अपॉइंट किया था। उदयभान वॉज अ डिसिप्लिन एंड वेलिजेंट ऑफिसर, ये जो उदयभान था वो एकदम डिसिप्लिन था। देयर वेयर टू एंट्रेंस टू द फोर्ट, अभी ध्यान से सुनो, ये जो फोर्ट था उसके ऊपर इंचार्ज कौन थे, उसका कंट्रोल किसके हाथ में था, उदयभान, और उस फोर्ट को दो एंट्रेंस थे, मतलब उधर ऊपर जाने के लिए दो गेट थे। बोथ वेयर हेवी गार्डेड बाय द उदयभान्स मैन, और दोनों भी गेट के ऊपर, गेट के उधर, मतलब एकदम हेवी गार्ड था, हाँ उदयभान ने बहुत गार्ड रखे थे। हाउ देन टू माउंट एंड असल्ट, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता था। तानाजी क्वाइटली मेड अ डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ द फोर्ट, तानाजी ने क्या किया, वो जो फोर्ट था उसका डिटेल इंस्पेक्शन किया। अभी जब इंस्पेक्शन करना है मतलब वो पूरे जानकारी लेनी है, तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा हुलिया चेंज किया और पूरे फोर्ट का इंस्पेक्शन किया। ओके, इंस्पेक्शन मतलब चारों तरफ से फोर्ट को अच्छे से इंस्पेक्शन किया कि देखा कहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि पूरे फोर्ट के चारों तरफ से गार्ड थे, ऊपर जाने के लिए कोई भी चांस नहीं था। सो तानाजी ने पहले उस फोर्ट का पूरा इंस्पेक्शन किया। ऑन द वेस्टर्न साइड देयर वॉज अ स्टीप प्रिसिप्स वेयर देयर वेयर नो गार्ड, वो जो फोर्ट था उसके वेस्ट साइड में एक स्टीप प्रिसिप्स, स्टीप मतलब ऐसा बहुत स्लोप वाला वैली थी,
हाँ, वहाँ से कोई भी, वहाँ पे कोई गार्ड नहीं था क्योंकि वो इतना डेंजरस था कि वहाँ से कोई ऊपर जा ही नहीं सकता। सो उदय भान ने क्या तो सोचा होगा कि वहाँ से कोई ऊपर नहीं आ सकता, तो वो साइड में कोई भी गार्ड नहीं था। ओके, स्टीप रिस्ट मतलब एकदम स्ट्रेट रास्ता था, हाँ ऊपर चढ़ने का कोई चांसेस ही नहीं थे। सो तानाजी डिसाइडेड टू अटैक फ्रॉम दैट साइड। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है स्टीप प्रिसिप ऐसा, हाँ जैसे कोई आम आदमी इसके ऊपर से नहीं जा सकता था। सो उन्होंने उदय भान ने क्या किया, ये साइड में कोई भी गार्ड नहीं रखा था, तो तानाजी ने वही रास्ता चुन लिया। ऑन द वेस्टर्न साइड देयर वॉज अ स्टीप प्रिसिप्स वेयर देयर वेयर नो गार्ड्स। तानाजी डिसाइडेड टू अटैक फ्रॉम दैट साइड। सो तानाजी ने तय किया कि इसी साइड से हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ही एक्सप्लेन्ड द प्लान टू हिज यंगर ब्रदर। उन्होंने अपना जो प्लान था वो अपना जो छोटा भाई था उसको बता दिया। ही सेड यू टेक अ डिटैचमेंट ऑफ 500 ट्रूप्स एंड ट्राई एंड रीच द कोंकण गेट, सॉरी कल्याण गेट। उन्होंने अपने भाई को क्या बोला कि 500 ट्रूप्स लेके तू कल्याण गेट के उधर जा, विथ अदर 300 आई शेल स्केल दिस प्रिसिप्स। और बाकी के जो 300 है सोल्जर्स उनको लेके मैं ये प्रिसिप्स क्या करूँगा, ऊपर चढ़ के आ जाऊँगा एंड गेट इनसाइड द फोर्ट। एज सुन एज वी वेयर देयर, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, वी शेल थ्रो अपॉन द डोर ऑफ द कल्याण गेट। हाँ उसी टाइम पे हम लोग कल्याण गेट खोलेंगे, देन यू स्टिप इन एंड जॉइन अस। ओके, उन्होंने क्या बोला, ये जो स्टिप प्रिसिप्स है, हाँ ये डेंजरस रास्ता जो है, यहाँ से हम लोग ऊपर जाके वो गेट ओपन करेंगे और फिर वहाँ से आप लोग अंदर आ जाओ। ओके, टुगेदर वी शल डिस्ट्रॉय द मुगल ट्रूप्स एंड डिफेंडिंग द फोर्ट। हम लोग एक साथ मुगलों पे अटैक करेंगे और वो फोर्ट के लिए डिफीट करेंगे। विथ द प्लान दस फाइनलाइज, इस तरह से वो प्लान क्या हुआ, फाइनल हुआ। सूर्याजी एंड तानाजी वेंट देयर डिफरेंट वेज। अब ये सूर्याजी कौन है, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ तानाजी। हाँ सूर्याजी कौन है, तानाजी का छोटा भाई। ओके, ऑन द ओवर द प्रिसिप्स एंड इन टू द फोर्ट। अभी देखो इट वॉज अ डार्क नाइट। अभी देखो वहाँ पे पूरे गार्ड थे, तो दिन में तो वहाँ पे नहीं जा सकते थे और उस टाइम पे तो लाइट्स नहीं थे, हाँ तो उनको कैसे जाना पड़ा। इट वॉज अ डार्क नाइट, तानाजी एंड हिज मैन वेयर गैदर्ड एट द फुट ऑफ द प्रिसिप्स। तो तानाजी देखो आप यहाँ पे दिख रहे हैं पिक्चर, तानाजी और उनके जो मैन है 300 वो यहाँ पे खड़े हो गए, जमा हो गए। द साउंड ऑफ क्रैकर्स कुड बी हर्ड ऑल अराउंड। और वहाँ पे पूरा अंधेरा था, डार्क नाइट थी, तो किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, बस क्रिकेट्स की। क्रिकेट्स मतलब जो रात को किर किर करते ना कीड़े, क्रिकेट्स इंसेक्ट्स, उनकी आवाज़ें बस आ रही थी। 5 or 6 मेंबर्स ऑफ तानाजीज पार्टी स्टार्ट टू स्केल द प्रिसिप्स। शिवाजी तानाजी महाराज से लेके उधर से देखो सीधा रास्ता ही नहीं था चढ़ने के लिए ऊपर, तो उनके जो 5-6 लोग थे वो ऊपर चढ़ना चालू कर दिए। हाँ स्टार्टेड टू स्केल द प्रिसिप्स, इट वॉज इंडेड वेरी हाई एंड स्टिप। ये बहुत हाई था मतलब ऊपर बहुत ऊंचा था और उसके ऊपर स्टिप था मतलब सीधे हम लोग चल ही नहीं पाते थे। बट समहाउ दे मैनेज टू गेट अ फुट होल्ड इन द डार्क। तो उन्होंने क्या किया उस डार्क नाइट में, देखो कैसे कैसे अपना पैर रखने के लिए प्लेस बना के, हाथ रखने के लिए प्लेस बना के, वो लोग कैसे तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। ओके, बट सम हाउ दे मैनेज टू गेट अ फुट होल्ड इन द रॉक्स, पुल्ड देमसेल्फ अप बाय पुशिंग देयर फिंगर्स इन टू द रॉक क्रिव्स। हाँ पत्थरों के बीच में जो थोड़ा थोड़ा प्लेस रहता था उसमें हाथ फिंगर्स डाल के कैसे तो वो लोग ऊपर चढ़ना चालू किया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड बिगैन द डिफिकल्ट एंड डेंजरस क्लाइंब। ये जो क्लाइंब था ऊपर चढ़ना था वो बहुत ही डिफिकल्ट और डेंजरस था। ओके, स्लोली बट श्योरली दे रीच द स्टिक द टॉप। ये लोग धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली वो ऊपर तक पहुँच गए। ओके, एज सुन एज दे वेयर एंड ऑन सेफ गार्ड। ओके, मतलब वो इतना डेंजरस था कि कहीं से भी वो जो दो रॉक के बीच में हाथ फिंगर्स डालते थे वही कहीं स्नेक रहता था, कुछ भी एनिमल्स रहते, कुछ भी मतलब इंसेक्ट रहते थे, तो क्या था उनको
उसके लिए उनके लिए डेंजरस था, बट फिर भी वो लोग ऊपर टॉप तक पहुंच गए. एज सून एज दे वेयर ऑन सेफ गार्ड दे टाइड अ थिक रोप टू अ स्ट्रांग ट्री. ऊपर जाने के बाद उन्होंने ये जो ऊपर एक ट्री समझो था यहाँ पे, वो ट्री के उन्होंने क्या किया, एक रोप बांधा और वो नीचे तक ऐसे छोड़ दिया. ओके अंडरस्टैंड. सो द टाई सो वेरी डिफिकल्ट. स्लोली बट श्योरली दे रीच द टॉप. एज सून एज दे रीच वेयर ऑन अ सेफ गार्ड दे टाइड अ थिक रोप टू अ स्ट्रांग ट्री एंड लेट इट डाउन द प्रिसिप्स. और ऊपर से उन्होंने वो रोप नीचे छोड़ दिया. ओके द अदर्स टुक होल्ड ऑफ द रोप एंड क्लाइम अप टू द टॉप लाइक मंकी. बाकी के जो नीचे थे देखो दिख रहा है आपको, उन्होंने वो रोप पकड़ा और मंकी जैसे ऊपर चढ़ दिए ना ऐसे पकड़ के, वैसे पकड़ के वो लोग सब ऊपर जाने लगे. ओके लाइक अ मंकी दे क्लाइम अप टू द टॉप. अंडरस्टैंड. ओके तानाजी'स रिवॉल्वर. अभी देखो आगे क्या हुआ. बाय नाउ सूर्याजी हैड रीच द कल्याण गेट. अभी धीरे धीरे देखो यहाँ से ये लोग, तो नाइट था, अंधेरे इट वॉज डार्क नाइट थी और रात में ये लोग कैसे चढ़े होंगे ऊपर, आप थोड़ा सा ये करो सोचो. और उस कंडीशन में वो लोग ऊपर मंकी जैसे ऊपर चढ़ गए और उसी पीरियड में वहाँ से नेक्स्ट डोर से कल्याण गेट से सूर्याजी भी ऊपर तक पहुँच गए. ओके ही वेटेड देयर फॉर द डोर्स टू ओपन. ऊपर जाके वो वेट करने लगे कब डोर ओपन होगा. द बैटल ऑन द फोर्ट स्टार्टेड. ओके ऊपर जाने के बाद वो बैटल चालू हो गया, वॉर चालू हो गया. बैटल मतलब वॉर, हाँ दोनों में बहुत जोरों से लड़ाई चालू हो गई. ओके उदयभान हर्ड ऑफ द अटैक. उदयभान तो उस टाइम पे अंदर थे, सोए हुए थे अपने कैंप में, हाँ जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी. द बैटल ड्रम्स वेयर साउंडेड. उसी टाइम पे वो ड्रम बजने लगे, जो जोर से ड्रम बजते ना कि कुछ सब उनके जो सोल्जर्स थे वो अभी अलर्ट हो गए. उदयभान्स गैरिसन अटैक्ड तानाजी'स मैन. उदयभान के जो लोग थे उन्होंने तानाजी के लोगों पे अटैक कर दिया. अ ग्रिम बैटल स्टार्टेड बिटवीन द टू फेस फोर्स इन द लाइट ऑफ द डांसिंग टॉर्च. और ये जो है वो दोनों में बहुत जोरों से क्या हुआ, बैटल चालू होगा. इन द लाइट ऑफ डांसिंग टॉर्च. डांसिंग टॉर्च मतलब जो ऐसे रहते थे ना, मशाल बोलते हैं उसको मराठी में, ऐसे उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो हाथ में वो जलाते हुए ऐसी जलती हुई चीज़ें लेके लड़ाई कर रहे थे वो लोग. ओके बिकॉज इट वॉज अ डार्क नाइट है ना. सो द मावलाज ओपन द डोर ऑफ द कल्याण गेट. तानाजी वॉज फाइटिंग लाइक अ ब्रेव लायन. अभी ये तानाजी कैसे लड़ रहे थे, लाइक अ लायन. ओके उदयभान अटैक हिम. उसी टाइम में उदयभान ने तानाजी पे अटैक किया. बोथ वी आर वेरी ब्रेव एंड द बैटल बिटवीन देम वॉज फायर्स. दोनों भी ब्रेव थे, उदयभान भी और तानाजी भी. उन दोनों में एकदम फायर्स बैटल चालू हुआ, जोर से बैटल चालू हुआ. तानाजी शील्ड वॉज ब्रोकन. तानाजी के हाथ में जो शील्ड थी, शील्ड मालूम है आपको, शील्ड मतलब वो ये जो रहते ना ये वाला, ये शील्ड. अगर कोई आपके ऊपर तलवार से हमला करता है तो ये आगे कर दे तो जो तलवार का जो ये हमला इसके ऊपर वो झेल लेते हैं, ताकि उसको बोलते हैं शील्ड. हाँ वो जो शील्ड थी तानाजी के हाथ में वो क्या हो गई, टूट गई. सो ही टाइड हिज अपर गारमेंट अराउंड हिज डिफेंडिंग हैंड टू पैरी उदयभान्स ब्लोज एंड कंटिन्यू द फाइट. तो उन्होंने क्या किया, अपना जो अपर आर्म था, अपर आर्म मीन्स दैट इज वो सर पे बांधते ना वो निकाला और वो क्या क्या हाथ में लपेट दिया और उसी क्या उसके क्या बनाया, शील्ड बनाया और वो उदयभान से लड़ने लगे. लेकिन वो तो कपड़े का है, कितनी देर तक वो तलवार का या सॉर्ड का जो ये है वो झेल पाएगा, है कि नहीं. थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ, फट गया. इन द एंड बोथ वेयर मॉर्टरली वॉन्टेड एंड फेल्ड फाइटिंग. थोड़ी देर बाद दोनों भी पूरी तरह से वॉन्टेड हो गए, वॉन्टेड मतलब जख्मी हो गए और दोनों भी गिर गए. द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड. विथ द डेथ ऑफ तानाजी द मावलाज फाउंड देमसेल्फ विदाउट अ लीडर एंड बिगैन टू रिट्रेट. देखो जैसे ही तानाजी नीचे गिर गए, हाँ लड़ते लड़ते वो नीचे गिर गए, वो देख के तानाजी के जो सोल्जर्स थे वो क्या करने लगे,
भागने लगे. बाय देम सूर्याजी एंड हिज मैन हैड अराइव्ड ऑन द सीन ऑफ बैटल. सूर्याजी वॉज डीपली ग्रीव्ड टू नो दैट हिज ब्रदर वॉज डेड. सूर्याजी भी वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने देखा उनका भाई क्या हुआ है, डेड हुआ है. बट ही हैड नो टाइम टू ग्रीव. उनके पास ग्रीव मतलब दुख करने के लिए, रोने के लिए टाइम नहीं था. उनका खुद का भाई वहाँ पे मरा पड़ा था लेकिन उनको टाइम नहीं था. सो ही हैड टू कंटिन्यू द फाइट. उनको क्या करनी थी, फाइट कंटिन्यू करनी थी. ही कट ऑफ द रोप बाय विच द मावलाज हैड क्लाइम द फोर्ट. आपको पता है जहाँ से वो मावलाज ऊपर चढ़े थे, ये जो रोप था वहाँ से वो फिर से भागने लगे जैसे तानाजी गिर गए. तो सूर्याजी ने क्या किया, ये जो रोप है वो कट कर दिया. कट करने के बाद नीचे कैसे जाएंगे वो लोग, ओके है ना. सो सूर्याजी देन ही कट ऑफ द रोप बाय विच द मावलाज हैड क्लाइम द फोर्ट. देन ही स्टूड इन द पाथ ऑफ द रिट्रेइंग मावलाज. तब वो मावलाज जो भागने वाले थे वो रोप से नीचे आने वाले थे, उनके आगे खड़े हो गए और क्या बोले देखो, एंड सेड डोंट यू सी दैट योर फादर लेइंग डेड हियर ऑन द बैटल फील्ड. आपको दिख नहीं रहा है कि आपका बाप यहाँ पे बैटल फील्ड पे मरा पड़ा हुआ है. एंड आर यू नॉट अशेम टू रन अवे लाइक अ बंच ऑफ कॉवर्ड. और तुम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, घबरा के कावड़ मतलब भीतर क्या बोलते कावड़ के जैसे भाग रहे हो. आपको शेम नहीं, अशेम नहीं मतलब शर्म नहीं आती है. हाँ टर्न बैक एंड फाइट. पीछे मुड़ो और क्या करो, फाइटिंग करो. और फॉर वन हैव ब्लॉक्ड यूअर रिट्राइड बाय कटिंग ऑफ द रोप. क्योंकि मैंने आपका जो रोप है जहाँ से आप नीचे वाने थे वो मैंने कट कर दिया है. बाय विच यू क्लाइंब अप. द ओनली चॉइस बिफोर यू ईट्स. आपके पास एक ही चॉइस है क्या, दैट इज टू जम्प टू द डेथ ओवर द प्रिसिप्स और टू टर्न बैक एंड फाइट टू द डिस्ट्रॉय द एनिमी. आपके पास दो ही रास्ते, एक ही रास्ता है. एक तो क्या करो, अब तो रोप तो मैंने कट किया है, नीचे तो उतर नहीं सकते हो. आपको अगर जाना है तो यहाँ से नीचे जंप करके मर जाओ या फिर पीछे मुड़ो और एनिमी से लड़ो, ओके. सो द मावलाज रिटर्न टू द फाइट एंड अटैक द एनिमी. तब वो मावलाज फिर से टर्न हो गए और एनिमी पे अटैक किया. अ फायर्स बैटल रैग, फिर से वो जोरों से बैटल हो गया और द मावलाज अल्टीमेटली कॉन्कर द फोर्ट. मावलाज ने वो फोर्ट अभी रिकैप्चर कर दिया, ओके. बट इन द प्रोसेस हैड लॉस्ट देयर ब्रेव एंड लायन हार्टेड लीडर तानाजी. लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, उनका जो ब्रेव और लायन हार्टेड लीडर था दैट इज तानाजी वॉज डेड, ओके. जिजामाता एंड शिवाजी महाराज हर्ड द न्यूज. वेन जिजामाता और शिवाजी महाराज हर्ड दिस न्यूज, ओके, दे वेयर स्ट्रक विद द ग्रेव. उनको बहुत दुख हुआ. शिवाजी महाराज एक्सप्रेस्ड हिज सॉरो इन द लाइन इन अ सिंगल सेंटेंस. तब शिवाजी महाराज ने अपना जो एक्सप्रेशन दिया, एक सॉरो, एक्सप्रेस हिज सॉरो इन सिंगल सेंटेंस, दैट इज द फोर्ट इज ओन बट द लाइन इज डेड. उन्होंने एक ही लाइन में अपना एक्सप्रेशन दिया, दैट इज द फोर्ट इज ओन बट द लाइन इज डेड. सो कोंडाना बिकेम सिंहगढ़. इसके लिए फिर वो कोंडाना का नाम क्या हुआ, सिंहगढ़, ओके. मराठी में लाइन को क्या बोलते, सिंह. तो उन्होंने वो कोंडाना का नाम क्या रखा, सिंहगढ़, इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट वॉरियर हु गेव हिज लाइफ टू द रिकैप्चर इट. जो वॉरियर था, क्या नाम था उनका, तानाजी. वो लायन जैसे लड़े थे ना, इसलिए उन्होंने वो कोंडाना का नाम क्या रखा, सिंहगढ़. दिस इवेंट टुक प्लेस इन 1670s. लेटर ऑन शिवाजी राजे पर्सनली वेंट टू उमरठे एंड परफॉर्म द वेडिंग ऑफ द रायबा. उसके बाद शिवाजी महाराज खुद उमरठे गाँव गए और उन्होंने शिवाजी तानाजी के लड़का आ जाता रायबा था उसका उसकी शादी करवा दी, ओके. सो व्हाट इज द महाराज एक्सप्रेशन, दैट इज द लायन इज द फोर्ट इज ओन बट द लायन इज डेड. अंडरस्टैंड, रीड दिस लेसन केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, ओके. एंड इफ एनी डिफिकल्टी कॉल मी ऑन माई नंबर.